अस्पतालों में देख रहे हैं मरीज, कुछ दिन छापेमारी से डॉक्टरों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद कुछ दिन पहले सरकारी डॉक्टरों की छापेमारी कार्रवाई बदस्तूर जारी रही, लेकिन अब उस कार्रवाई के बाद फिर वही पुराने ढर्रे पर चिकित्सक देखे जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जहां उन्हें मरीजों को देखना था, वहीं उसी समय में वो है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर मरीज देखते नजर आए। ऐसी खबर साक्ष न्यूज ने कवर की है, जिसमें साफ प्रतीत होता है कि सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगी इनके खिलाफ कार्रवाई, देखना है। अभी हमारे CMS साहब AD साहब की मीटिंग में गए हुए हैं आगरा, तो कह गए थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल से मैंने बात की अभी, तो वो बता रहे हैं कि 10-15 मिनट पहले वो कहीं स्टेट बैंक वगैरह में गए हैं, अपने किसी बैंक में गए हैं और अपना कुछ पर्सनल काम के लिए गए हैं कह के, और अभी 5-10 मिनट में आ रहे हैं। सर, उन्होंने अभी उनसे ये भी कहा था कौन सी बैंक में आ रहा हूँ, तो फोन काट दिया, ऐसा क्या लगता है? वो हो सकता है बैंक में व्यस्त हो इसलिए जो है वहाँ पर उन्होंने फ़ोन काट दिया हो, लेकिन वो गाड़ी जो बैंक है वो क्लिनिक के बगल में गली में खड़ी थी, उसका मेरे पास ग्रुप पैसे के बारे में क्या कहना है? हो सकता है गाड़ी ना लाया हो, वहीं गाड़ी खड़ी कर दी हो उन्होंने। डॉक्टर कंपाउंड में क्लिनिक पर ये भी कहा थे कि डॉक्टर लेडीज परीक्षण कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, तो हम वापस हो जाए महिला नाम देते, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं उनसे इस बारे में जानकारी करूंगा, उनसे पूछूंगा और CMS साहब को भी और CMO साहब को भी CMO साहब को भी अवगत कराऊंगा। सबसे पहले भी शिकायत की थी ये मामला आज पहले आया था, तब उन्होंने CMO साहब ने कर दिया कार्यवाही नहीं होगा, आपने जो भी मामला हमारे संज्ञान में लाया है उसको हम CMO साहब और CMS साहब दोनों के संज्ञान में लाएंगे और उनसे डॉक्टर राजीव अग्रवाल से भी जवाब तलब करेंगे कि क्या वजह है। लेकिन जो अभी बात हुई है वो कह रहे हैं 15 मिनट पहले से हुई है, लेकिन हमारे कैमरे में घंटे पहले की क्लिप है, तब भी वो यहाँ पर नहीं थे, इस बारे में उनका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। और इसके खिलाफ उन पर क्या कार्रवाई है? स्पष्टीकरण देने के बाद यदि उससे संतुष्ट नहीं हुए तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई जो होती है उसको।